देखिए, लोकतंत्र में चुनाव समय पर होना चाहिए और चुनाव आयोग कोरोना के मद्देनजर सुरक्षित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर ऑनलाइन ऑफलाइन 2400 घंटे सातों दिन काम करती है, हम किसी भी स्थिति में कभी भी किसी भी परिस्थिति के लिए चुनाव के लिए भी तैयार हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि क्या लाशों के ढेर पर चुनाव कराए जाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव सिर्फ प्रोपेगेंडा करके राजनीति करते हैं। अगर उनको थोड़ा भी ज्ञान होता, लोकतंत्र की समझ होती, सामाजिक राजनीतिक पहलुओं की जानकारी होती तो तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बावजूद देश में लोकतंत्र को आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसमें ऐतराज क्या हो सकता है? अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र सुरक्षित चुनाव कराने के लिए सभी मोडलिटीज पर काम कर रहा है तो चुनाव आयोग के जुरिस्डिक्शन का विषय है, उसको उस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग के काम में दखल डाल रहे हैं, चुनाव आयोग को राजनीति में घसीट रहे हैं और चुनाव आयोग को अपमानित करने और बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं सिर्फ अपनी सतही राजनीति के लिए। आपके जो एनडीए के घटक दल हैं चिराग पासवान, वो भी कह रहे हैं कि चुनाव को टाल देने चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी को अगर कोई बात अपनी कहनी है चुनाव से संबंधित तो चुनाव आयोग के समक्ष लिखित या मौखिक तौर पर वो रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चुनाव को रोकने की बात नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव निश्चित तौर पर समय पर होना चाहिए और समय पर चुनाव कराने के लिए जब चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संगठन है जो काम कर रहा है तब इससे किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हम लोग को चुनाव आयोग पर बातों को छोड़ देना चाहिए और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा राजनीति और चुनाव आयोग को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। पर सवाल उठता है कि वो आपके एनडीए के घटक दल है, बीजेपी और जेडीयू तैयार है, एलजेपी तैयार नहीं है, तो ये इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टियों की जो भी राय हो, पार्टियाँ सभी अपनी अपनी राय चुनाव आयोग के समक्ष रखती हैं, विचार के तौर पर अगर कहती हैं, चुनाव आयोग को कोई सुझाव देती हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव से संबंधित निर्णय सोल जुरिस्डिक्शन सिर्फ चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग अगर चुनाव कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर किसी भी स्थिति में तैयार है। मेरा वही सवाल है कि बीजेपी और जेडीयू तैयार है लेकिन एलजेपी तैयार नहीं। देखिए, मैं कहता हूं कि किसी भी पार्टी के व्यक्तिगत इंडिविजुअल ओपिनियन से कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के जुरिस्डिक्शन का विषय है। चुनाव अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन किसी भी पार्टी को अपनी स्वतंत्र राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन चुनाव आयोग के काम में दखल डालने की स्वतंत्रता किसी को नहीं होनी चाहिए।